भारत को महिला वेटलिफ्टर मीराबाई चानू से मेडल की सबसे अधिक उम्मीदें हैं। 26 साल की मीरा भारत के लिए 49 किलोग्राम स्पर्धा में भाग लेंगी। मीरा का ये दूसरा ओलंपिक है। उन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन यहाँ वो क्लीन एंड जर्क के पहले तीनों प्रयासों में विफल रही। ऐसे में टोक्यो की पुरानी यादों को भुलाकर मीरा टोक्यो में पदक जीतना चाहेंगी। मीरा टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की एकमात्र वेटलिफ्टर हैं। रियो की निराशा के बाद मीरा ने अपने प्रदर्शन में काफी सुधार किया है। उन्होंने साल 2017 की विश्व चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल का तमगा हासिल किया था। इसके एक साल बाद ही उन्होंने राष्ट्रीय मंडल खेलों में भी भारत के लिए स्वर्ण जीता। हालांकि साल 2018 उनके लिए कुछ खास नहीं रहा। वो लगातार पीठ में दर्द की परेशानी से जूझती रही, जिससे उनके प्रदर्शन में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि रियो में मीरा को जिस क्लीन जर्क से निराशा मिली थी, वो उनकी ताकत बन चुका है। टोक्यो ओलंपिक से ठीक पहले की प्रतियोगिता एशियन चैंपियनशिप में मीरा ने क्लीन जर्क करते हुए 119 किलोग्राम के वजन को सफलतापूर्वक उठाया, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड भी है। ऐसे में मीराबाई जब 24 जुलाई को ओलंपिक वेटलिफ्टिंग एरिना में उतरेंगी, तो इस प्रदर्शन का असर उनके आत्मविश्वास पर भी दिखाई देगा। इंडिया टीवी स्पोर्ट्स की तरफ से मीराबाई को ढेर सारी शुभकामनाएं।